और मोहतरम सैयद तनवीर अब्बास साहब, यहाँ से पैगाम जो जाना चाहिए, मैं कुछ पढ़ना चाह रहा था, लेकिन हमारे माशरे में जो इल्म की कमी है वो हमें चाहिए कि उसको पूर करें। और अगर इल्म होगा तो आप हजरात इसका अदब, इसका एहतराम बखूबी जानेंगे, अपने बच्चों को इल्म सिखाएं। मैं उसी हिसाब से एक मतलब कुछ ये नज़र कर रहा हूँ, बतौर खास मुलाजा फरमाए कि हमें क्या बनना चाहिए, कैसे हासिल करना चाहिए। सलवात पढ़ा था मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। मैं स्टेज से दुआएं चाहता हूँ, मुलाजा फरमाए कि तालीम को इस दर्जा असरदार बना दो। मतलब पेश करना मुलाजा फरमाए, तालीम को इस दर्जा असरदार बना दो, तालीम को इस दर्जा असरदार बना दो, अरे दुश्मन को भी इस शय का तलबगार बना, मन को भी इस शय का तलब गार बना दो। मुलाजा फरमाए जफर भाई, मुलाजा फरमाए बतौर खास पेश कर रहा हूं, देखिए जरा के बातिल के लिए आहन दी वार बना दो, बातिल के लिए आहन दी वार बना दो, अरे तालीम से हर बच्चे को मुख्तार बना दो, तालीम से हर बच्चे को मुख्तार बना दो। तालीम हजरात बहुत जरूरी है, मैं पेश कर रहा हूं, तालीम से हर बच्चे को मुख्तार बना दो। जैदी भाई मुलाजा फरमाए कि सलमान अबू ज़र की कहानी को सुना कर, सलमान अबू ज़र की कहानी को सुना कर, इस काम की हर फर्द को दीदार बना दो, इस काम की हर फर्द को दीदार बना दो। बहुत खास शेर पेश कर रहा, इस वक्त मैं अपने जज्बात आपके सामने पेश कर रहा हूं, काश इल्म होता हमारे माशरे में। जफर भाई बतौर खास, इस काम की हर फर्द को बतौर एहसास पेश कर रहा हूं, दीदार बना दो। जाहिद भाई सुनिएगा, बतौर एहसास पेश कर रहा हूं कि बच्चों को नमाज़े दमेशा बीर पढ़ा कर, मतलब फरमाए बच्चों को नमाज़े दमेशा बीर पढ़ा कर, जहरा की दुआ पाने का हकदार बना दो, जहरा की दुआ पाने का हकदार बना दो, जहरा की दुआ महसूस कर हजरात बतौर खास पेश कर रहा हूं कि बच्चों को नमाज़े हमेशा। शुक्रिया साहब, नारे हैदरी, बच्चों को नमाज़े हमेशा बीर पढ़ा कर, बच्चों को नमाज़े हमेशा बीर पढ़ा कर,
अरे जहरा और खास पेश कर रहा हूं कि तालीम को इस दर्जा असरदार बना दो। इस शर्त का कुलाना मौलाना फरमाए कि तालीम होगी तो वाकई कैसा माशरा होगा। तालीम को इस दर्जा असरदार बना दो। भैया मैं पेश कर रहा हूं मौलाना फरमा ले बतौर खास कि बच्चों को सुनाकर शब आशूर के किस्से बातें बातें कि बच्चों को सुनाकर शब आशूर के किस्से और दीदा दार वफादार अजादार बना दो। बच्चों को सुनाकर शब आशूर के तीसे दीदार वफादार अजादार बना विषय नज़र कर रहा हूं। तालीम का इस दर्जा बतौर खास विषय नज़र कर मुलाहज़ा फरमा लें तालीम को इस दर्जा असरदार बना दो। मुलाहज़ा फरमाए हज़रात अगर इल्म है तो पूरी दुनिया में इज्जत है और जहां चाहेंगे आप अपनी हुकूमत कर सकते हैं। इल्म होना चाहिए, इल्म की बदौलत आज कासिम सुलेमानी का पूरी दुनिया में नाम है, तो लिहाजा आप उनके चाहने वाले हैं, इनसे दूर ना हो। मौलाना फरमाए कि तालीम को इस दर्जा असरदार बना दो। अब बिल्कुल खालिश सरकार बतौर खास विश्वगंज जफर भाई दुआएं चाहे तो मौलाना फरमाए कि देते के इन्हें दर से वफा दर से इताअत देते के इन्हें दर से वफा दर से इताअत अरे गम आशिक आपा से आलमदार बना दो। तालीम को इस दर्जा असरदार बना दार बना दो। बतौर खास कर रहा हूं रात महसूस करें सरकार पेश कर रहा हूं लादा फरमाए तालीम को इस दर्जा असरदार बना दो। बतौर खास जाहिर है सरकार आपकी नजर कर रहा हूं लादा फरमाए कि लोरी में सुनाकर इन बहलोल के तीसे लोरी में सुनाकर इन बहे लोल के तीसे अरे दीवाने इश्क शहे अबरार बना दो। दीवाने इश्क शहे अबरार बना दो। दीवाने इश्क़े शहे अबरार बना दो। और बच्चों खुदा तुम्हें सलामत रखे और यही दर्स है हमारे यहां। महसूस करें पेश कर रहा हूं तालीम को इस दर्जा असरदार बना दो कि मिट जाए ज़माने
रात के अंधेरे मिट जाए जमाने से जहालत के अंधेरे अरे तालीम से हर संत ज़ियाबार बना दो तालीम को इस दर्जा असरदार बना दो और जात मैं मक्ते के शक में शेर नज़र कर रहा हूं मौलाना फरमाए और आप सबकी दुआएं चाहता हूं मौलाना फरमाने बता दस के कहता है शहंशाह ये अशआर को लिख कर कहता है शहंशाह ये अशआर को लिख कर अरे मौला इन्हें चलती हुई तलवारें बना दो तालीम को इस दर्जा असरदार बना दो तालीम को इस दर्जा असरदार बना दो यही एक आलिम दीन का फरीजा है कि शेरों में मदा भी हो और पैगाम भी हो शहनशाह मिर्ज़ापुरी साहब बारगाह मौला में अखराज अकीदत पेश नोट दिए तो बच्चे भी पढ़ने को बाकी हैं मगर इस बीच में जो सिलसिला है शोरा का मैं नहीं उसको मुखता कर सकता।